काफी टाइम हो गया जिम ज्वाइन किए हुए, वेट गेन नहीं हो रहा, बहुत अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा, ये सप्लीमेंट ले लिया वो ले लिया फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ऐसी टिप्स दूंगा जिसके बाद वेट तो यूं गेन होगा कि आपके बंदे जो एक महीने पहले मिले होंगे वो ये बोलेंगे कि भाई क्या खा रहे हो, जैसा मेरे साथ हुआ था। हे गाइस, क्या हाल है आपके, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वेट गेन के ऊपर। तो जैसे मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं पहले था 47 केजीज का, नाउ आई एम 82 केजीज। तो मैंने ये इतना तगड़ा वेट गेन कैसे करा, और मैंने कोई 4-5 साल में ये वेट गेन नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ 11 मंथ्स में वेट गेन करा। वैसे अगर एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो 10 मंथ्स 20 डेज में ये मैंने वेट गेन करा है। सो ये मैंने कैसे करा, 7 टिप्स बताऊंगा। और लास्ट वाली जो 7वीं टिप है वो तो भाई अमेजिंग टिप्स है, वो अमेजिंग टिप है, और उसके उस टिप के बाद तो आपको कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं, वो अकेले सारी टिप्स पे भारी है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और हमें कर लो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो, जहां हम जिम के अपडेट्स देते रहते हैं और शॉर्ट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वहां देते रहते हैं। तो चलो, यहां पे हमने बना लिया है अपने स्क्रिप्ट, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टिप से। तो हमारा पहला टिप्स ये है कि 2 महीने तक जब आप जिम ज्वाइन करते हो, आप वेट गेन कर रहे हो प्रॉपर, ये वेट लूज के ऊपर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा, ये वेट गेन के ऊपर है। अगर आप वेट गेन को वेट अच्छा वेट गेन करना है तो 2 महीने तक मेरी बात मानो, जिम जब ज्वाइन कर रहे हो, जब से मतलब आज से ज्वाइन कर रहे हो, तो 2 महीने तक कोई सप्लीमेंट नहीं लेना भाई, कुछ भी नहीं लेना। और सप्लीमेंट से मैं एक बात और बता दूं, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी रील डाली थी कि सप्लीमेंट, सॉरी इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, यहाँ शॉर्ट्स पे डाला था और इंस्टाग्राम पे भी डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे भी, कि गेनर तो लेना ही नहीं है भाई, गेनर नहीं लेना, मैं बिना गेनर के हुआ हूँ। और बहुत से लोग आपको इंसिस्ट करेंगे, बहुत से लोग बोलेंगे गेनर ले लो, गेनर लो, गेनर नहीं लेना है, कोई सप्लीमेंट 2 महीने तक नहीं लेना। 2 महीने के बाद आपको जो लेना है वो मैं अपने वीडियोज में बता दूंगा, आगे मैंने जो डाइट प्लान वाली वीडियो बनाई है उस पर जाके देख लो क्या लेना है। 2 महीने तक कोई सप्लीमेंट नहीं लेना, ये याद रखो दिमाग में। सेकेंड, हैवी वेट नहीं उठाना है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, रिपीटेशन पे फोकस करना है। अगर आप 5 के डंबल से तब तक करो जब तक ये लगे लास्ट के, इस हमेशा याद रखना, अगर 15 रेप्स कर रहे हो तो 12 रेप्स का कोई मतलब नहीं होता, लास्ट के जो 3 रेप्स होते हैं जो एकदम उठते नहीं है मेन, उसी का मतलब होता है, वही सबसे ज्यादा रिजल्ट दिखाते हैं, तो उस पर फोकस करना है, तो मसल्स को तोड़ने हैं आपको, ठीक है। हैवी वेट ईगो लिफ्टिंग पे मत जाना, मेरी बात मानना, सेकेंड टिप बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। थर्ड टिप है कि एक्सेस वर्कआउट नहीं करना है, मुश्किल से 45 मिनट से 1 घंटे तक का वर्कआउट करना है, ये नहीं कि जिम में गए शाम में 5 बजे और आ रहे हो 10 बजे, तो इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और पतले हो जाओगे। जे इतना एक्सेस वर्कआउट तो करना ही नहीं है, बॉडी को प्रॉपर रिलैक्स देना है, 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्सेस वर्कआउट एकदम दोबारा बोल रहा हूँ कि नहीं करना है। फोर्थ टिप हमारी है कि डाइट पे प्रॉपर फोकस करना है भाई, डाइट, सलमान खान का आपने वो वीडियो देखा होगा कि जिम के अंदर बॉडी नहीं बनती, बॉडी जिम के बाहर बनती है, एग्जैक्टली बॉडी जिम के बाहर बनती है, अंदर जिम के सिर्फ आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जो डाइट फॉलो करो उससे ही एक्सरसाइज करने में आपके स्ट्रेंथ आएगा। तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डाइट के ऊपर वीडियो मेरे चैनल पे है, ये आई वाले बटन पे भी आ रही होगी, तो आप उस वीडियो को जाकर देखो, इतना बढ़िया डाइट प्लान बता रखा है ना, पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में चैलेंज करता हूँ, ऐसा डाइट प्लान नहीं मिलेगा जो 6 से 8 किलो तक गेन करा सकता हो। फिफ्थ टिप पे आते हैं कि कार्डियो तो करना ही नहीं है। 5वीं टिप हमारी ये है कि कार्डियो तो करना ही नहीं है, जो होता है ना कार्डियो, साइकिलिंग, ये सब आपको करना ही नहीं है, अभी 2 महीने तक तो सब भूल जाओ भाई, कार्डियो का सिस्टम नहीं होता है वेट गेन में। तो ये सब सुन के, ये सब मेरी ये 5वीं टिप सुन के कई लोग ऑफेंड भी होंगे, पर जो फैक्ट है वो फैक्ट है, मैंने कार्डियो नहीं करा, और ऐसा कुछ तो मैं फैल नहीं हूँ आपके सामने, ऐसा कुछ तो फैला नहीं हूँ। 6th टिप है हमारा, वाटर का जो आप इंटेक करोगे, जो पानी पियोगे, वो 4 से 5 लीटर एक दिन में पीना, एकदम याद से भाई पीना ही पीना है, 4 से 5 लीटर से ऊपर पियो, पर नीचे तो 4-5 लीटर से नहीं होना चाहिए, वाटर इंटेक 4-5 लीटर्स पर डे होना ही चाहिए वेट गेन के सीरीज में। और 7th टिप जो हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, जिसके लिए आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, जो मतलब कुछ लोग तो भाई स्किप करके आ गए होंगे, तो 7th टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टिप है फॉलो ऑल द 6 टिप्स। हाँ जी, तो यही टिप है 7th टिप की, आपको शुरू 1-6 जो टिप्स बताई मैंने उसे फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, तो आपका प्रॉपर वेट गेन होगा। देखा, मैंने बोला था ना बहुत अमेजिंग टिप बताऊंगा जो अकेले वेट गेन करा देगी। हाँ जी, पूरे 1-6 टिप्स को फॉलो करना ही हमारा 7th टिप है। तो थोड़ा सा मजाक कर दिया मैंने, ऑफेंड होकर वीडियो डिसलाइक मत कर देना।
और चैनल को सब्सक्राइब मत कर देना, ये जो टिप्स बताई मैंने इसको बस फॉलो कर जाओ यार। और मैं बता रहा हूँ रिजल्ट्स इतने तगड़े मिलेंगे, तुम खुद आके कमेंट्स में बोलोगे आयुष भाई आपने कमाल कर दिया, कमाल की वीडियो बना दी। तो ऐसे ही अब हमारी एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो आएगी कि स्किनी पीपल्स को कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, फैटी पीपल को कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, इस पर मेरी एक वीडियो आएगी। और डाइट के ऊपर एक बार और बोलोगे तो अच्छे तरीके से डाइट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो ऐसी आती रहेगी भाई, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाऊंगा। और आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।